किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या को दूर करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए किसानों को सिंचाई में किसी तरह की समस्या न आए, इसके लिए खेतों में सौर पंपों को लगाने का काम भी शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 3 HP, 5 HP, 7.5 HP व 10 HP के एक व DC प्रकार के सौर पंप 75% अनुदान पर दिए जा रहे हैं। सरकार ने इस योजना के तहत 50,000 सौर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। पहले फेस में अकेले हरियाणा को 15,000 सौर पंप लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें सिरसा जिले में 3,150 सौर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक इस योजना के तहत 7,000 किसानों ने आवेदन किए हैं। इस योजना का लाभ जिले के लगभग 1,500 किसान उठा चुके हैं। डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। जी बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा। पहला सानू वेट करनी पैंदी लाइट दी जी, रात रूत नूं आउंदी, हुण असीं दिने दिने लाइट ला देने, पानी लगा देने आ। ते सानू मतलब जी अगे बिजली च ज़्यादा खराबी रहिंदी, कदे आंधी आ गई, मीह आ गया, लाइट ना आउंदी, हुण सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी। हुण जी अगे सानू कोई बिल बुल भरन दा वी टिक्का आउंदा बहुता, हर महीने बिल भरना पैंदा, हुण कोई बिल दी समस्या नहीं आउंदी, इस ते कोई खर्चा नहीं, कोई खराबी नहीं दी। सरकार ने जी जिमीदारां वास्ते बहुत वधिया सिस्टम चलाया। तो एक तो इहदा इह फायदा हो गया भी जिमीदार दिन दिन नूं इहदा पानी यूज कर सकदा जी, जो मर्जी हरे चारे नूं लाउंदा। अगे रात नूं उठ के लाउणा पैंदा हरे चारे नूं पानी, जां असीं स्प्रे करन आउंदे खेत तां सानूं पानी ना मिलदा खालां च। हुण असीं आपदे मौज नाल स्प्रे कर लैंदे आ पानी। इह भाई साहब ऐं कालां वाली उनको पता चला था और उसने फार्म वगैरह भर दी और ये निकला है हमारे। फ़ायदा बहुत ज़्यादा है जी। पहले तो लाइट वाले हैं वो कभी तार टूट गई या कोई ट्रांसफार्मर सड़ गया या पोल गिर गया तो उड़ीकते रहते कि लाइट आ जाएगी, मोटर चलेगी, और वो बिजाई लेट हो जाते थे। तो ये जब सुबह सूरज चढ़ता है चलती है, शाम तक चलती है, बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है जी। तो बिजली के बिल में भी बहुत बढ़िया जी, इसका कोई बिल नहीं, कुछ नहीं, ना डीजल का खर्चा, ना कोई प्रदूषण, ना वगैरह, बहुत बढ़िया चीज़ है जी। ये 7.5 की है जी मोटर। कितना फायदा दे रही है, कितने एरिया में? बहुत बढ़िया फायदा दे रही है जी, अभी तो चालू 2-3 दिन में की है और बहुत बढ़िया जी। कितना एरिया कवर करेगी पूरा? एरिया तो पूरा, ये तो हमारे तो भी यहाँ 15 एकड़ में बढ़िया चल रहे हैं जी, तो आगे लेके नहीं गए। बढ़िया काम करती है जी, ये बहुत बढ़िया चीज़ है ये किसान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले तो सिक्योरिटी भरो, खंभे खड़े करो, तारें खींचो, कभी ट्रांसफार्म नहीं, कभी तारें नहीं, कभी पोल नहीं, ये तो एक दिन में लगा के दूसरे दिन फिट करके चल गई। बहुत बढ़िया चीज़ है किसान के लिए जी। बस ए भी इस फैसिलिटी नाल मतलब जिमीदार नूं बहुत वधिया फायदा जी। तो जो भी मतलब लाइट वाला सिस्टम है उहदे नाल दिने दिने बंदा आपदा सही ढंग नाल बंदा काम कर सकदा जी। तो रात नूं बहुत सौखा है, तो होर बस हाँ दिन नूं पानी की जिहड़ी समस्या है वो वधिया ढंग नाल मतलब ला सकदा पानी। रात नूं खुला पानी ज़्यादा भी पै सकदा हैगा, ये लोड़ मुताबक बंदा आपदा पानी। ये जो सोलर पंप योजना है ये भारत सरकार की कुसुम योजना के अंतर्गत ये सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं सभी किसानों को, जो कि इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसको फुलफ़िल करते हैं। और इसमें भारत सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा इसमें 75% सब्सिडी इसके अंदर दी जा रही है। और इसके अंदर किसानों को 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर तक के जो सिस्टम्स हैं इनके अंदर दिए जा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार का जो अपना पूरा लक्ष्य है 50,000 पंप सेट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रथम फेज में इसके अंदर 15,000 पंप्स इसके अंदर लगाए जाएंगे। और सिरसा ज़िले में लगभग 7,000 किसानों ने इसके लिए आवेदन किया है और सिरसा ज़िले का जो लक्ष्य दिया गया है 15,000 में से 3150 का भी प्रथम फेज का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। और इसमें ज़िले के जो किसान हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें रुचि दिखा रहे हैं। और इसके अंदर जो किसान है वो जो पंप की कीमत है उसमें से 75% राशि को घटाकर जो उनका अपना शेयर है वो अपना जमा करा रहे हैं हमारे कार्यालय में, ताकि उनको सिर्फ इसके अंदर पंप लगाया जा सके। इसमें किसानों के आवेदन करने के लिए बहुत ही इसका आसान सा प्रोसीजर है कि जो सरल हरियाणा की वेबसाइट है उस पर जाकर किसी भी अटल सेवा केंद्र के ऊपर जाकर उस वेबसाइट के माध्यम से इसमें किसान अपने अप्लाई करते हैं और उसके एप्लीकेशन के लिए उसके पास ज़मीन के फर्द के कागज़, उसका आइडेंटिटी प्रूफ वो उसने सबमिट करने होते हैं। ये साथ ही साथ लगभग अप्रूव उसका हो जाता है। और इसमें जिन कंपनीज़ को
गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑथराइज की गई हैं वो ही इसके अंदर आकर उसके किसान के खेत में सर्वे करती हैं, और सर्वे के पश्चात किसान अपने हिस्से की धनराशि यानी कि 75% राशि को काटकर बाकी 25% जो राशि है वह अपने हमारे कार्यालय में जमा करा देता है DD के माध्यम से, या ऑनलाइन अपना सबमिट कर सकता है। तो किसानों को इसमें 75% तक की इसकी मतलब जो इसमें फ़ायदा होता है। जैसे ये 7.5 हॉर्स पावर का ये पंप सेट जो लगाया गया है अभी रिसेंटली, इसकी जो लगभग जो कीमत है अराउंड जो है इसमें सब्सिडी के बाद उसको ये 60,000 रुपये का उसको पड़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन की AC है DC है तो उसके ऊपर निर्धारित होता है। ये 2.25 लाख रुपये के लगभग का सिस्टम उसमें ये दिया गया है, लेकिन उससे सिर्फ 53,000 के लगभग इसमें राशि उससे ली गई है। अभी जो दिए जा रहे हैं बड़े से बड़ा 10 हॉर्स पावर तक के दिए जा रहे हैं अभी फार्मर्स को, और इसमें लिए एक कंडीशन फार्मर को ज़रूर इसमें फुलफिल करनी होगी, जैसे कि आपके पास जो हमारे नॉन डार्क जोन है यानी कि जो नॉर्मल जोन्स हैं उनके अंदर फार्मर के पास या तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन हो या स्प्रिंकलर सेट हो या आपका टपका सिंचाई हो, जिससे कि पानी की बचत भी की जा सके और फार्मर की सिंचाई भी पूर्ण रूप से हो सके, तो ऐसा उसके लिए करना अनिवार्य है। जो डार्क जोन है, डार्क जोन में रानिया और एलनाबाद जिले के अंदर, उसके अंदर या तो वाटर टैंक होना ज़रूरी है, या जिन किसानों के पास पुराना बोर है डीजल पंप सेट को यूज़ करते हैं उनके नाम से बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो फार्मर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते मिली है। जी और क्या लाभ है? तो आप ये देखिए कि एक बार सिस्टम को लगा देने के बाद में इसको लगभग 25 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, 5 साल की इसमें गारंटी भी है, इंश्योरेंस भी इस बार इनका फार्मर का जो पंप सेट का है किया गया है, तो एक बार लगाने के बाद इसमें बिजली का या डीजल का किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आता, और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त सिंचाई ये हमारी जो किसान भाई हैं वो कर सकते हैं। अभी इसमें जो हमारे जो पूरे हरियाणा का प्रथम फेज में जो लक्ष्य रखा गया है वो 15,000 पंप सेट का है प्रथम फेज में, कुल मिलाकर 50,000 लगाए जाने हैं लेकिन प्रथम फेज में 15,000 लगाए जाने हैं, और 15,000 में से जिला सिरसा के अंदर इसमें 3,150 का लक्ष्य रखा गया है, और लगभग 1500 से ज़्यादा फार्मर्स ने इसने अपने धनराशि अपने हिस्से की जमा करा दी है, तो लगभग 50% हम उसके लिए फार्मर्स अपना के द्वारा अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं, और बाकी वो भी बचा हुआ जो किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, क्योंकि इस समय सरकार की एक ऐसी योजना है जिससे कि वो अपने बिजली के और डीजल के बिल से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, और उसकी जो अपनी 25% राशि जो किसान देता है वो 1 साल से भी कम समय में अपनी उस धनराशि को पूरा कर सकते हैं, इतनी बचत उसको हो जाएगी, क्योंकि इसमें सुबह धूप निकलने से लेकर शाम के धूप छुपने तक पूरे दिन पंप उसका ये चला सकता है, और इसके साथ में एक अलग से यूनिवर्सल पंप कंट्रोलर अगर वो लगाना चाहे लगा सकता है, ताकि अगर उसका घर साथ में है तो अपना जैसे जो दूसरे साधन है बिजली के, कुट्टी काटने की मशीन है, चारा काटने की मशीन यानी कि, और प्लस अपना घर का कोई आटे की चक्की है या इस तरह का कोई उपकरण है वो भी इसके माध्यम से सीधे सीधे चला सकता है, और अपने घर की बिजली की आवश्यकताओं को वो पूरा कर सकता है अगर उसके पास वो खेत में रहता है या खेत में उसने अपने इस तरह के एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स रखे हुए हैं या घरेलू बिजली के उपकरण रखे हुए हैं।